प्राइस क्या पड़ा मेरे को, तो देखो दो नाइट के लिए मैंने इसको बुक किया है क्योंकि हमारा प्लान कंफर्म नहीं है कि हम ऋषिकेश के इस वाली लोकेशन पर कितना टाइम रुकेंगे। हो सकता है जब राफ्टिंग के लिए जाएं, अलग अलग लोकेशन कैंपिंग के लिए जाएं, तो उस हिसाब से हम वहां के कोई पास का होटल ढूंढेंगे। तो दिन आ चुका है वो जिस दिन हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन की जो है हमारी कुछ ट्रिप रहने वाली है, और अभी अभी जस्ट मैंने रॉ का रिव्यू खत्म करके वीडियो बनाई है, और क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना है, 8:30 बजे रिव्यू खत्म किया, 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दिया, बस आधे घंटे में निकलने का कुछ प्लान है। बैग वैग जो है सब अपना रेडी है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो पहले प्लान है जाने का उनके घर, उसके बाद सब एक साथ होंगे और उसके बाद निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। अब पता नहीं भाई आज मौसम इतना अजीब क्यों हो रहा है, मतलब सुबह तो सीन ये था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, फिर हवा चलने लग गई, अब हवा भी चल रही है, धूप आ रही है, और पता है सीन क्या है कि ऋषिकेश में आज और कल के दिन बारिश का सीन बन रहा है, तो अगर बारिश हो जाती तो पता नहीं यार थोड़ा सा मामला ना गड़बड़ सा हो जाएगा। अगर आप ये पूछ रहे हो कि काशीपुर में मैं रहता हूं तो ऋषिकेश यहां से कितना दूर है, तो ये लगभग 170 किलोमीटर के आसपास है। एक्सपेक्टेड है कि हम कार से जा रहे हैं तो शायद 4 से 5 घंटे हमको लगेंगे, और मेरा प्लान है आज ही के दिन मैं आपको कुछ ऋषिकेश के अंदर सिटी के अंदर एक्सप्लोर करवाऊं। भाई बहुत तेज हवा चल रही है, तो जल्दी से चलते हैं, अब ज्यादा बकवास करने का फायदा है नहीं, और आई होप कि जो वेदर है वो हमारा साथ दे जाए। I've been wanting something from you. You've been giving nothing. Oh, I've been wanting something from you. You've been giving nothing. Oh. देखो बात ऐसी है कि मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि चलो मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ और उसके बाद आपको उनसे मिलवाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अपने सारे फ्रेंड्स से मिल रहा था, तो भावनाओं में भैया हम इतना ज़्यादा बह गए कि मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मेरे को लगा कि भैया जरा इनसे पहले अच्छे से बात कर लेते हैं, उसके बाद ऋषिकेश पहुँच कर ही सीधा जो है व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि बीच में मैंने आपको जो जर्नी के शॉट्स है वो दिखा दिए हैं, और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ ऋषिकेश। हम निकले थे करीब 11-12 बजे के आसपास और हम 5-6 बजे के आसपास पहुँच गए, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर आकर अपना जो है सामान वगैरह फेंक दिया। जल्दी से आपको मैं रूम का टूर देता हूँ, बताता हूँ कि क्या प्राइस पड़ा और क्या यहाँ पर फैसिलिटी है। तो यहाँ से कुछ हमारी स्टार्टिंग होती है रूम की, और रूम की अगर आप इस साइड देखो तो यहाँ पर एक कबर्ड भी है जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह कुछ रख सकते हो। यहाँ पर बेड है जहाँ पर मेरे ख्याल से 2-3 बंदे आराम से सो सकते हैं, 2-3 बंदे यहाँ पर भी सो सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा रूम चाहिए था जहाँ पर हम 5 लोग आराम से स्टे कर सकें। यहाँ पर भाई अगर आपको आपकी खूबसूरती के नज़ारे लेने, जो कि हम तो है नहीं लेकिन आप ले सकते हो, और बाकी यहाँ पर टीवी है जो कि हम यूज़ करेंगे नहीं, एसी भाई यहाँ पर ये पता नहीं चलता नहीं है इसका कैसी ना। यहाँ पर जो है आपका अपना आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा अंदर, तो भाई क्या दिखाऊं, लेकिन हाँ अच्छा सा है, ज़्यादा इतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम चलाने लायक हो जाएगा। और अगर आप मेरे से ये पूछो कि इस रूम का प्राइस क्या पड़ा मेरे को, तो देखो दो नाइट के लिए मैंने इसको बुक किया है क्योंकि हमारा प्लान कंफर्म नहीं है कि हम ऋषिकेश के इस वाली लोकेशन पर कितना टाइम रुकेंगे। हो सकता है जब राफ्टिंग के लिए जाएं, अलग अलग लोकेशन कैंपिंग के लिए जाएं, तो उस हिसाब से हम वहां के कोई पास का होटल ढूंढेंगे। इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी दो नाइट की 4400 रुपये। अब देखो मैं ये नहीं कह सकता ज़्यादा या फिर कम है, क्योंकि हर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से ना थोड़ा सा सीन बदल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वाईफाई की फैसिलिटी यहाँ पर है तो ठीक है, काम चल जाएगा। इतना हाई भी इसको कोई रेट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एवरेज से मेरे को ज़्यादा प्राइस लगा, बट फिर भी घूमने आ रहा था तो थोड़े बहुत पैसे जैसे खर्च हो जाते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलाते हैं अपने उन फ्रेंड से जिनके साथ मैं पिछले कुछ घंटों से हूँ, और डेफिनेटली 2 से तो आप मिल लिए, लेकिन 2 बंदे अभी और बाकी हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग के अंदर देखा था, पीछे जो 2 हमारे फ्रेंड बैठे हैं सुधांशु और गोला भाई नाम ही बोल गया, इन दोनों से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन 2 बंदों की जिनकी बात कर रहा था इसमें से ये वो बंदा है जिसके नखरे बहुत ज्यादा रहते हैं, रोहित चौहान। अब इनका सीन क्या है कि ये है भाई साहब हमारे हाइड्रा क्रेन वाले, इनका काम बिजनेस बहुत धगाधक चलता है, नोट छापते हैं। और इधर बात रही हरीश की, जिसको मैं जानता हूँ लगभग 8th क्लास से, लेकिन भाई इस बंदे की बात ये ऐसा एटीट्यूड में रहता था, ऐसी चौड़ में रहता था ये भाई। एक बार इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, हमारी फ्रेंडशिप टूट गई। बंदे ने रोड पे रोके मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई तू फ्रेंडशिप कर ले, और स्कूल में बातें फैला रहा कि भाई रोहित को मैंने चॉकलेट दी तब फ्रेंडशिप के लिए मारा। तो भाई इससे आप इस बंदे की चौड़ दिखा सकते हो। खैर इनसे तो आप आगे बात करोगे अच्छे से, वो मुझे पता है अभी सारे जो ट्रिप है वो ऐसी होने वाला है, लेकिन फिलहाल हमारा प्लान है रात के भाई कितने बज रहे हैं, 10:30 के आसपास है, खाना हमने खाने, लेकिन प्लान है हमारा ऋषिकेश के अंदर आपको पता होगा लक्ष्मण झूला जाने का। रात में भाई बहुत ठंडी हवा चलती है, ब्रिज पूरा हिलता है, तो उसके जरा आपको नजारे दिखाते हैं।
तो जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर सुन ही सकते हैं, लक्ष्मण झूला पर जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा तेज चलती है और गाइस कई मौकों पर ये खतरनाक भी हो सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पास में कुछ रीजंस की वजह से इसको बंद भी करना पड़ा था। फर्क नहीं पड़ता आपका वजन 60 किलो या फिर 160 किलो, इन तेज हवाओं में आपका हिचकोले खाना एकदम तय है। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, मैं निकला था काशीपुर से ऋषिकेश के लिए और उसके बाद उस हमने सारी प्लानिंग करी थी और मैंने आपको लक्ष्मण झूला भी दिखाया था। आज हमारे ऋषिकेश के अंदर ये सेकंड डे है और इस होटल के अंदर भी हमारा ये आखिरी दिन है, मतलब कल हमको चेकआउट करना है। नेचर के आपके बहुत ही आपको कमाल के नज़ारे मिलने वाले हैं और आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई मैंने आपको ये बताया नहीं कि हम किस कार से जा रहे हैं। तो भाई कार के ओनर साहब हमारे यही हैं, यही हमारे कार का इंतजाम करके लेके आते हैं। तो नीचे चल के चलते हैं फिर और रास्ते में आपको सीन बताते हैं। इससे पहले वाली क्लिप के अंदर आपने देखा जहाँ पर मैंने आपको बैराज दिखाया था, उस वाली जगह से हम 7 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। और अगर आप मैं आपको चारों ओर दिखाऊं, हाँ लाइट सही से आ जाए, तो ये है राजा जी नेशनल पार्क वाला जोन। और इसके लिए जैसे इसके हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये एक पर्ची कटवानी करती है जो कि 500 रुपए की है और हमारी जान पहचान थोड़ी अच्छी थी इसलिए हमने उन्हें 50 रुपए दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये 50 ही रुपए की है। मतलब वैसे एक जिम कॉर्बेट पार्क है भाई, उसका परमिट बहुत महंगा बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स मिलने के उतने चांसेस नहीं होते, तो इस वजह से ऐसा है। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो होगी नीलकंठ की, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। जैसे कि शोम ने बताया कि शायद यहाँ पर जो है बहुत अच्छे कुछ पहाड़ वगैरह हैं, तो उसकी आपको ब्यूटी दिखाते हैं। और फिर हाँ एक रास्ता यहाँ पर पैदल आने का भी है, लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनके बस की नहीं है, मतलब इंक्लूडिंग मी, कि हम 12 किलोमीटर के आसपास जो है ट्रैक कर सके, तो हाँ उसमें ये भी शामिल है। तो जो है ना रात को थकान हो गई थी, हाँ अब इसकी जो थकान है वो आप समझ लेना क्या थी। तो वहाँ पर हम जाएंगे और फिर आपको सीधा नीलकंठ की जगह दिखाते हैं। अभी आपने वीडियोस के अंदर देखा हम नीलकंठ मंदिर में पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पर ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैंने की नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें जितना आपको दिखा सकता हूँ मैंने आपको दिखा दिया। काफ़ी अच्छी प्लेस है, अगर आप थोड़े धार्मिक टाइप के इंसान हो डेफिनेटली आपको विजिट तो करना चाहिए। तो ये थे वो दो शुरुआती दिन जो कि हमने बिताया ऋषिकेश के अंदर नेचर का मजा लेते हुए। और इसके बाद हम लोग गए ऋषिकेश की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी, राफ्टिंग एंड कैंपिंग के लिए, जिसका मजा हमारे साथ साथ आप लोग भी लोगे इस वीडियो के थ्रू नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप जिंदगी के मजे लो वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।